एक जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों किंगडम्स पादर जगत प्लांट किंगडम तथा जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण के पिता फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवधारियों का पांच जगत वर्गीकरण फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया, एक मोनेरा, दो प्रोटिस्टा, तीन पादप, चार कवक एवं पांच जंतु। एक मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्किबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं, तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। दो प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय एक्वाटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना इसी जगत में है। ये दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। पृष्ठ 366। तीन पादप प्लांटी, इस जगत में प्राय वो सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। चार कवक फंगी, इस जगत में वो यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पांच जंतु एनिमल, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होलोजिक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ने जीवों को द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम जेनेरिक नेम तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पीशियस नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत वैज्ञानिकों का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम मनुष्य मैन, होमो सेपियंस, मेढक, फ्रॉग, राना टाइजरियाना, बिल्ली कैट, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता डॉग, कैनिस फैमिलारिस, गाय, काउ, बॉस इंडिकस, मक्खी हाउसफ्लाई, मुस्का डोमेस्टिका, आम मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, धान राइस, ओरिजा सैटिवा, गेहूं वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर पी, पाइसम सैटिवम, चना ग्राम, साइसर एरिया चाइनम, सरसों मस्टर्ड, ब्रासिका कैम्पेस्टरिस। दो कोशिका विज्ञान। जीवद्रव्य, जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंसे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन पाराभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है, एक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। दो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है, एक ऑक्सीजन 76%, दो कार्बन 10.5%, तीन हाइड्रोजन 10%, चार 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है।
जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। प्रश्न 367, कोशिका। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी श्लाइडेन और श्वान ने किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 1. प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। 2. प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। 3. प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। 4. कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, 1. प्रोकैरियोटिक, 2. यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोटीरियन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटीन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, विशेषता या अंगक, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित रहता होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक 70 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक 80 प्रकार के होते हैं। गाल्जीकाय प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक एकल सूत्र के रूप में, यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में। कशाभिका प्रोकैरियोटिक केवल एक तंतु होता है, यूकैरियोटिक कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक थायलैकाइड में होता है, यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। पृष्ठ 368, कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। 1. कोशिका भित्ति, सेल वॉल। 1. ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 2. ये सेल्युलोज का बना होता है। 3. ये कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। 2. कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी पेरमीबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एक एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। 3. तारकाय सेंट्रोसोम, इसकी खोज बोबेरी ने की थी, ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारकाय सेंट्रोसम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में ये ध्रुव का निर्माण करता है। 4. अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
एक और ये केंद्रक झिल्ली से व दूसरी और कोशिका कला से संबद्ध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी बासाओं व प्रोटीनों का संचरण ट्रांसपोर्टेशन करना है, जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्बरेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। 5. राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिकाओं में तथा जी.ई. फेलॉर्डे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका के राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अमल व प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात ये प्रोटीन का उत्पादक स्थल है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। नोट, स्तनी के लाल रुधिरकण में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाल रुधिरकण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बीडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ये कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नोट, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। 7. गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी इटली नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ये सूक्ष्म नलिकाओं, ट्यूबलेस के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के पदार्थ कोशिका से माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गाल्जीकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण भी करते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। 8. लाइसोसोम। इसकी खोज डी डूबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली, सुसाइड वेसिकल भी कहते हैं। नोट, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पृष्ठ 369। 9. लवक, प्लास्टिड। ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, 2. अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट एवं 3. वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। 1. हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। ये हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। नोट, पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। 2. अवर्णी लवक लियोकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। 3. वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। 10. रस घानी, वैक्यूलस। ये कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में ये अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11. केंद्रक न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं।
प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़े। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिडो का बना होता है। दोनों क्रोमेटिडो एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसीलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन घोल रचनाएं दिखलाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी होती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड शुगर एंड बेस क्षार। पृष्ठ 370। क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं, एडीनिन बराबर ए, गुआनिन बराबर जी, थायमिन बराबर टी तथा साइटोसिन बराबर सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडीनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडीनिन व थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच तीन हाइड्रोजन आबंध होते हैं, यानी ए बराबर टी कॉमा जी, यहाँ तीन डैश दिए गए हैं, यानी जी 3-C। सन 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्वि कुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य, ये सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, ये प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए या आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एक R-RNA राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे हो रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दो tRNA ट्रांसफर आरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तीन mRNA मैसेंजर आरएनए, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर, डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए इसमें शर्करा राइबोज होती है। दो, इसमें बेस एडीनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं, आरएनए इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तीन, ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर, पादप कोशिका एक, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक इसमें जंतु कोशिका एक, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। पादप कोशिका दो, इसमें लवक पाई जाती है, जंतु कोशिका दो, इसमें लवक अनुपस्थित होती है। तीन, पादप कोशिका तारककाय अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिका तारककाय सेंट्रोसम उपस्थित रहता है। रिक्तिका वैक्यूलोस बड़ी होती है, जंतु कोशिका रिक्तिका वैक्यूलोस छोटी होती है। पांच, इसका आकार लगभग आयताकार होता है, जंतु कोशिका। पांच, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। पृष्ठ 371। कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विरचाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, एक असूत्री विभाजन एमिटोसिस, दो समसूत्री विभाजन माइटोसिस एवं तीन अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस।
एक असूत्री विभाजन एमिटोसिस। ये विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। दो, समसूत्री विभाजन माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। ये विभाजन कायक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न है। 1 अंतरा अवस्था इंटरफेस, 2 पूर्वावस्था प्रोफेस, 3 मध्य अवस्था मेटाफेस, 4 पश्चावस्था एनाफेस, 5 अंत्यावस्था टेलोफेस। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेस सबसे छोटी होती है, वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। 3 अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। फॉर्मर तथा मूरे 1905 ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजवैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉस बर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। 1 अर्धसूत्री प्रथम, 2 अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 प्रोफेज 1, 2 मेटाफेज 1, 3 एनाफेज 1, 4 टेलीफोज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। 1 लेप्टोटीन, 2 जाइगोटीन, 3 पैकिटीन, 4 डिप्लोटीन एवं 5 डाइकिनेसिस। 1 लैप्टोटीन। 1 गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमिनेमेटा कहते हैं। 2 गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित डायप्लोसिड होती है। 2 जाइगोटीन। 1 समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। 2 सेंट्रियोल, एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। 3 प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। 3 पैकाटीन, 1 प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। 2 द्वियुज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बन जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के 1 द्वियुज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मात्र तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमेटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मात्र तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान पर से टूट जाते हैं। पृष्ठ 372। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं और इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकाटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट, क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। 4 डिप्लोटिन। 1 समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वो कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एज मेटा कहते हैं। काई एज मेटा की औसत संख्या को बारंबारता काइजमेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 2 काई एज मेटा का अंत्यकरण टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। 5 डाइकिनेसिस, केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन 1, ये विभाजन कायक सोमैटिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1, ये विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। 2 समसूत्री विभाजन, इस विभाजन में कम समय लगता है। अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 समसूत्री विभाजन, संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती। 4 अर्धसूत्री विभाजन, संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है।
समसूत्री विभाजन 5, इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन, इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन, इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। अर्धसूत्री विभाजन, इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। 3, आनुवंशिकी, वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रिगर जोहान मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी ने दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फीनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों, फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। पृष्ठ 373। एक संकरीय क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी एवं बोने स्मॉल टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। इन परिणामों को एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। संबंधित चार्ट को समझने के लिए आप अपने मित्र की सहायता ले सकते हैं। द्विसंकरीय क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज आर आर वाई वाई व हरे व झूरीदार बीज स्मॉल आर आर वाई वाई से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। गोल तथा पीला, कैपिटल आर आर वाई वाई, तीर आर वाई गैमेट, झूरीदार तथा हरा स्मॉल आर आर वाई वाई, तीर आर वाई गैमेट, डॉट 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 पी वन पैतृक पौधा, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, गोल तथा पीला संकर बीज, डॉट 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 एफ वन। यहां स्व परागण दो भागों में बांटा गया है। एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल और पीला क्रॉस, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल और पीला। नर युग्मक से संबंधित यहाँ एक चार्ट दर्शाया गया है, इसे भी आप अपने मित्र की सहायता से संपर्क कर सकते हैं। पृष्ठ 374। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फीनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:4:2:1:2:1 प्राप्त हुए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम, एक प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण पकड़ने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है, ये गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दो पृथकरण का नियम लॉ ऑफ सीग्रेगेशन, लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। युग्म विकल्पी एलिलेस, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलग्नता लिंकेज, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं।
जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग सहलग्न गुणों की को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन 1910 ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता गंजापन हीमोफीलिया मायोपिया हाइपर ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। जीव या जाति तथा गुणसूत्र एस्केरिस 2 मच्छर 6 घरेलू मक्खी 12 मटर 14 प्याज 16 मक्का 20 टमाटर 24 मेंढक 26 नींबू 18 और 36 बिल्ली 38 चूहा 40 गेहूं 42 खरगोश 44 मनुष्य 46 आलू 48 चिंपैंजी 48 तंबाकू 48 घोड़ा 64 कुत्ता 78 कबूतर 80 टेरी डोकाइटस 1300 से 1600 गुणसूत्र। मानव आनुवांशिकी ह्यूमन जेनेटिक गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का नामकरण डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती हैं, तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 ईस्वी में इस एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पृष्ठ 375 आर्थर कोर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिनकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22+X और आधे वो जिनमें 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र जाता है। 22+Y नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज जायगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है। अध्याय 8 जीव विज्ञान जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी ये विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी बायो का अर्थ है जीवन लाइफ लोगोस का अर्थ है अध्ययन यानी स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन की बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेवेरिनियस जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु अरिस्टोटल 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं एपिकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन सेरिकल्चर रेशम कीट पालने का अध्ययन पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन पोमोलॉजी फलों का अध्ययन आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन ओफियोलॉजी सर्पों स्नेक्स का अध्ययन सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन सिल्विकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन।